बिहार के गया जिले में गूंजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवाज़। जी हाँ, ये तस्वीरें बिहार के गया जिले से गांधी मैदान की हैं, जहाँ विगत दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन, नागरिकता संशोधन कानून के लिए विराट जनसभा को संबोधित करने के लिए हुआ था। सभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी के सदस्यों द्वारा स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और गदा देकर उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही सभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री ने मंच पर आते ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। नागरिकता संशोधन कानून पर संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 1947 में हुआ और भारत में मुस्लिम आबादी 1947 से लेकर अब तक लगातार कई गुना बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान में विभाजन के दौरान 23% हिंदू थे और आज सिर्फ 1% ही रह गए हैं। जबकि भारत में मुस्लिमों को की आबादी इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए, हर प्रकार की सुविधा दी गई, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्योंकि यदि भारत के अंदर यहाँ पर अभी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्मान्य श्री सुशील मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के मंत्री माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, कुशल संगठन शिल्पी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय श्री नागिन जी, विधान पार्षद श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद सुशील सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजीव नंदन दांगी जी, पूर्व सांसद श्रीमान हरि माझी जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान धनराज शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश राम जी, पूर्व विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक श्री श्यामदेव पासवान जी और भारी संख्या में नागरिकता कानून के समर्थन में उपस्थित गया और आसपास क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की इस पावन नगरी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा था, सिखों ने, बौद्धों ने, जैनियों ने, इन सब ने भारत विभाजन का विरोध किया था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 1947 में हुआ। भारत के अंदर 1947 से लेकर के आज तक मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ी, 7 से 8 गुना आबादी बढ़ी है, किसी को आपत्ति नहीं। अगर भारत के अंदर रहकर के भारत के नागरिक के रूप में भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, सबका स्वागत है। उनकी आबादी बढ़ी इसलिए क्योंकि उन्हें भारत के अंदर विशेष अधिकार दिए गए, हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, 23% आबादी हिंदुओं की थी 1947 में और आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी 1% रह गई है। कहां चले गए, या तो मार दिए गए, या भगा दिए गए, या धर्मांतरित कर दिए गए। यह पाकिस्तान की वास्तविकता है और यह सिलसिला 1947 से प्रारंभ हुआ, लगातार चलता रहा। 1950 में जब पाकिस्तान के अंदर
अल्पसंख्यकों का कत्लेआम और उनका धर्मांतरण नहीं रुका तो नेहरू लियाकत समझौता भी होता है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में बैठ करके समझौता भी करते हैं और समझौता करने के बाद इस बारे में समझौता होता है कि दोनों देश अपने अपने देशों के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करेंगे। भारत ने समझौते का पालन किया लेकिन पाकिस्तान ने समझौते का पालन नहीं किया। 1955 में नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, भाइयों बहनों, तब 1955 में भारत ने अपना नागरिकता कानून बनाया था और ये नागरिकता कानून समय समय पर संशोधन भी हुआ और इस अंतिम संशोधन के लिए एक समय सीमा दी गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई पीड़ित और प्रताड़ित थे, जिन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया लेकिन वे वहां से वापस आ नहीं पाए, अगर वे लोग भारत के अंदर आए हैं और निश्चित शर्तों के आधार पर आए हैं, उनका वहां पर प्रताड़ना हुआ है, उन्हें अपमानित किया गया है, उनकी संपत्तियां लूटी गई है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन्हें भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। ये कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इसलिए मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए था, अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग हर एक मोर्चे पर भारत को विफल करना चाहते थे, आपने देखा होगा सदियों से मुस्लिम महिलाओं का अपमान होता था तीन तलाक के नाम पर, मोदी जी ने तीन तलाक को हमेशा के लिए तलाक करवा दिया, समाप्त करवा दिया, तलाक की कुप्रथा समाप्त। लोगों को बुरा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे न्याय मिल गया, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलने का मतलब अब फतवों की दुकान बंद होना, और इसीलिए जो लोग फतवों के बल पर देश का, देश की व्यवस्था संविधान से न चले बल्कि फतवों से चले, उनको सबसे पहली अड़चन तो उनके लिए थी कि तीन तलाक की कुप्रथा को रोक क्यों लगा दी गई, क्यों कानून बना दिया गया। दूसरा, 1952 में कांग्रेस की एक कुटिलता ने देश के संविधान में धारा 370 शब्द जोड़ दिया। 370 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तभी कहा था, ये 370 देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण बनेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात सच साबित हुई, कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई, और हम अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृहमंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। धारा 370 गई काम से, अब तो पाकिस्तान को इस बात के लाले पड़ रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर कब भारत के अंदर चला जाएगा और कब फिर से पाकिस्तान का फिर से विभाजन हो जाएगा, अब वो इस बात की चिंता कर रहा है। आपने देखा होगा नेतृत्व जैसे होता है वैसे ही देश भी होता है। रहकर भारत के नागरिक बनकर भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ विरोधी दल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने यह स्पष्ट कहा है कि यह कानून नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। नागरिकता संशोधन कानून पर और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए गया से हमारे संवाददाता राजीव कुमार की इस रिपोर्ट में।